तुला राशि वालों, सालों के बाद फिर से नई संभावनाओं का जन्म हो रहा है, क्योंकि आप जिस सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि बल वैभव स्वास्थ्य निरोगिता एवं लौकिक पारिलौकिक सुख फलों की तलाश में थे वह आने वाले महीने में आपको जल्द ही मिल सकता है। आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि जून जुलाई में जीवन क्यों खूबसूरत यू टर्न लेने वाला है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जीवन का हर क्षण हर दिन हर महीना हर साल जीवन के नवनिर्माण के लिए ही होता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। मित्रों, आदिकाल से ही मनुष्य की प्रकृति धन वैभव प्राप्त करने की रही है और इसमें भी प्रथम इच्छा माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने की होती है। मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर कई ऐसे ग्रहों की तिथियां निर्मित होती है जिसे व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता वह इससे परे चला जाता है, क्योंकि ग्रहों की कृपा से दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजपाट मिला था, तो ग्रहों के अभिशाप से राजा हरिश्चंद्र को भी दर दर भटकना पड़ा था। दोस्तों, यह जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जून और जुलाई एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं और आप स्वयं ही देख लीजिए कि किस तरह आपके जीवन को वह बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले दो महीने आपके जीवन के लिए कैसे रहने वाले हैं। तुला राशि फल 2024 के अनुसार 1 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच का समय नए जुड़ाव और गठबंधनों पर जोर देने का रहेगा। इस अवधि के दौरान स्थानीय व विदेशी दोनों तरह की सहभागिताएं बने, आपके आसपास के माहौल में परिवर्तन होगा। कानूनी मसले जो पिछले समय में आपको मानसिक परेशानी दे रहे थे, वहां पर स्थितियां आपके पक्ष में बनने से मानसिक तौर पर आपको शांति प्राप्त होगी। कानूनी मसले आपके हक में रहेंगे। इस समय टेस्ट और इंटरव्यू इनसे संबंधित कार्य में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए जून का महीना जितना लाभदायक रहेगा, इससे ज्यादा जुलाई का महीना लाभदायक रहेगा, क्योंकि जुलाई में कई तरह के शुभ अवसरों की प्राप्ति होगी। अगर आपके किसी तरह के अधूरे कार्य थे तो वह पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, यानी कि आप जिस योजना को जिस सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील थे वह योजनाएं फलीभूत होने से आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। तुला राशि वालों, आज का जीवन इतना अधिक जटिल बुद्धिवादी एवं तीव्रगामी बन गया है कि मनुष्य वास्तविकता को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब 15 जून के बाद जब सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे, मिथुन संक्रांति बनेगी और कर्म के फलदाता और न्याय के स्वामी शनि ग्रह स्वराशि में यानी कि कुंभ राशि में रहते हुए बकरी हो जाएगी, तो कई तरह के अवसर आपके लिए उपलब्ध हो गए। इस समय आप देश विदेश की यात्रा पर जा सकेंगे, करियर का दायरा बढ़ाने में सफल रहेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की के कई सारे अवसर प्राप्त हो गए। साथ ही साथ इस समय आप कोई वाहन या फिर प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे। जो नौकरी पेशा जातक है उनके करियर मजबूत होगा, आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से भी जान पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। जो लोग व्यापारी है वह अच्छे धन लाभ के लिए प्रयत्नशील है, उनको भी आय में वृद्धि प्राप्त होगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे। साथ ही इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको इस समय मान सम्मान या फिर कोई बड़ा पद या फिर बड़ा अवार्ड मिल जाए तो भी कोई संशय नहीं होगा। तुला राशि वालों, आपने ऐसे व्यक्ति अवश्य देखे होंगे जिनमें कोई पहले विशिष्टता नहीं थी, लेकिन अचानक से उनमें बहुत भारी परिवर्तन हो गए। उनमें अद्भुत तेज आ गया, शक्ति आ गई, गुण आदि दिखाई देने लगे। तो यह सब कैसे होता है? यह सब ग्रह के प्रभाव से होता है। उन वही प्रभाव जुलाई महीने में भी होने वाला है, क्योंकि जून में शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे तो उसके बाद 6 जुलाई से वह कर्क राशि में पहुंचेंगे। ऐसे में अब बिजनेस को लेकर बड़ी डील कर पाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए भी नई जॉब के प्रस्ताव प्राप्त हो गए। जो व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन अपने काम का विस्तार करना चाहता है तो उसे भी अवसर मिलते हैं। ऐसे में जिन लोगों की फैक्ट्री में लगातार नुकसान हो रहा था या फिर घाटे में कार्य चल रहा था तो अचानक से इसे बाहर निकल जाते हैं। आपका माल है वो बिकने लगता है, आपकी पहुँच शहर राज्य यहाँ तक विदेश तक पहुँचती है।
बैंक बैलेंस में सुधार होता है। ऐसे में अगर आप सलाह लेकर शेयर बाजार में भी निवेश करते हैं तो बढ़िया मुनाफा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सूर्य की वजह से एक तो आपको मनचाहा ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग मिल सकता है, दूसरा पिता के सहयोग से रुका हुआ कार्य पूर्ण होता है, यानी कि आपकी किस्मत बदलती है। मित्रों, कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर व्यक्ति चाहे तो स्वर्ग सा जीवन बिता सकता है, लेकिन स्वर्ग सा जीवन जीने और बिताने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है पारिवारिक सुख की, प्रेम की, दाम्पत्य सुख की। ऐसे में विवाह के दाता गुरु आपकी राशि कुंडली में अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसे में जो व्यक्ति गुरु क्लेश की पीड़ा झेल रहा होता है उसे बाहर निकल जाता है, परिवार में अशांति का वातावरण खत्म होता है, आपकी पत्नी या फिर पति कहा नहीं मानते थे तो अब अच्छा समझौता होता है, अब दोनों के बीच वैचारिक मतभेद खत्म होते हैं, यानी कि जिनके पास तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को होते हुए भी संसार में सुख नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए अगले दो महीने बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, कुंडली के द्वादश भाव के बलापल पर ही जातक का जीवन निर्भर रहता है। जो भाव पीड़ित हो उस भाव का फल या तो मिलता ही नहीं या फिर अति स्वल्प मात्रा में मिलता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कुंडली को जाने, समझे, विश्लेषण करें और आगे बढ़े। कुल मिलाकर जून जुलाई जीवन में बड़ा यूटर लेकर आ रहा है, जिसे आप आने वाले समय में अनुभव भी कर सकेंगे। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।